हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज बात करेंगे क्वांट एप्टीट्यूड के बारे में, हाईएस्ट 6 चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, 6 चैप्टर के बारे में बताऊँगा, जिसमें आप 20 से लेकर 25 क्वेश्चन ईजिली मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन इन 6 चैप्टर से हमेशा पूछे जाते हैं, IBPS बार बार पूछता है, और पूरा चांस है नबार्ड ऑफिस अटेंडेंट में इन जो 6 चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उससे ज़रूर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। बेसिक टिप्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों 30 नंबर आपका पक्का बनने वाला है अगर आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने वाले हो। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही कम समय है, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। और मैंने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों जब मैंने पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वह फुल हो चुका है, और मैंने दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से वहाँ पे आप जुड़ जाओ। क्योंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ आज शाम को आप सभी को, मैथ का, इंग्लिश का और जीके का साथ ही साथ है, ठीक है, रीजनिंग की भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, तो जाके जल्दी से ऐड हो जाओ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों नबार्ड प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कोरिंग अध्याय। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नंबर 2 एवरेज, और नंबर 3 परसेंटेज, नंबर यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ये जो स्कोरिंग चैप्टर है हर एक चैप्टर से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोग। ये जो 6 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दोस्तों 2 दिन का समय है, 3-4 को एग्ज़ाम होगा, लगभग 3 तारीख तक, 3 फरवरी तक जो 6 चैप्टर मैं बता रहा हूँ इसका अच्छे से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कर लो बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद आपको मैं 3 को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दूंगा, लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से आप लोग कर लेना और जाके एग्ज़ाम देना। और दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा आपके आपके वहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर याद करके आप लोगों को ग्रुप में शेयर करना है, डिस्कशन करना है, वहाँ पे डिस्कशन भी चलेगी 4 फरवरी को शाम को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करिएगा अगर आपका एग्ज़ाम है तो। और अब बात करते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ द्विघात समीकरण से आप लोगों को 12 क्वेश्चन कर लेना है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और सिंपलीफिकेशन, जी हाँ दोस्तों सरलीकरण इसमें नहीं दिया, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस अटेंडेंट में 7 क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, मैं लिख के दे रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से भी पूछा जाएगा। तो 7 चैप्टर आप लोग ऐड कर लो, 1 चैप्टर जो है सिंप्लीफिकेशन से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और DI डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे DI से, ठीक है, उससे भी लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, 7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, द्विघाती समीकरण से भी क्वेश्चन बनेंगे, औसत से, प्रतिशत से, लाभ हानि से, ब्याज से, और अनुपात और समानुपात से, और इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों परीक्षा में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन हार्ड है उसको छोड़ देना, क्योंकि दोस्तों टाइम वेस्ट मत करना। एक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकंड देना है, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, और आप लोग जानते हो कितने, बहुत ही कम समय मिल रहा, बहुत ही कम समय है, 90 मिनट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 120 क्वेश्चन करना है लगभग, आप लोग एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड ही समय देना, 30 सेकंड से ज़्यादा मत देना, 40 सेकंड हो जाए, 45 सेकंड हो जाए, इससे ज़्यादा मत देना, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको बिल्कुल मत छोड़ना, जो हार्ड लग रहा है उसको आप लोग बाद में करना अगर आपके पास समय है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। और जो मैंने 7 चैप्टर बता रखा है, मेरा टारगेट है 20 से लेकर 25 क्वेश्चन इससे ज़रूर ज़रूर पूछे जाएंगे, और अदर जो है जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दोस्तों 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा, और जो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो टाइम एंड वर्क है इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो
नल और टंकी है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने ओवरऑल दोस्तों 25 से लेकर 28 क्वेश्चन बता रखा है, इतने क्वेश्चन पक्का आएंगे जो मैंने 8 चैप्टर या 9 चैप्टर बता रखे हैं। ठीक है, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो इनका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अच्छी से कर लो और जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।